लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। परसों भारत ने 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें सबसे चर्चित ऐप टिकटॉक भी शामिल है। टिकटॉक युवाओं के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऐप थी। आइए हम आपको बताते हैं कि अलग अलग सेलिब्रिटीज का इन 59 चीनी ऐप्स के बैन पर आखिर क्या कहना है। एवरीबॉडी, आज सब जगह सर्कुलेट हो रहा है, व्हाट्सएप पर और न्यूज में भी काफी आग की तरह फैल गया है कि हमारे देश ने सारे चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए हैं। आई एम ऑनेस्टली थैंकफुल एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हमारे गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है। ओके, आई नो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्पेशली टिकटॉक के, जो भी सोच रहे होंगे या घबरा रहे होंगे, बट यू नो व्हाट, चिल आउट। ओके, बिकॉज आपको ये ऐप ने नहीं बनाया। लेट मी टेल यू वन थिंग, लोग आपको पसंद करते हैं बिकॉज यू गाइज आर वर्थ लविंग, यू नो। तो ये ऐप नहीं तो कोई और से, कोई और नहीं तो कोई और से। ये थे एक्टर करणवीर वोहरा, जो कि सरकार के इस कदम का खुलकर स्वागत करते नजर आ रहे हैं। साथ ही करणवीर ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि टिकटॉकर्स को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टैलेंटेड हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, तो आप किसी दूसरी ऐप पर आसानी से जा सकते हैं। आगे एक और अभिनेत्री रश्मि देसाई ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये हमें सोचना पड़ेगा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। आज क्यों हमारी गवर्नमेंट को चाइनीज लिंक ऐप सब कुछ बैन करना पड़ रहा है, ब्लॉक करना पड़ रहा है, देयर मस्ट बी सम रीजन। पिछले एक महीने से हम बहुत सारी ऐसे न्यूज़ सुन रहे हैं विच इज़ एक्चुअली नॉट हेल्दी, बट हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी में बिजी हैं जिनसे हम बाद में भी निपट सकते हैं, या ऐसे कहें कि आपका ध्यान ही नहीं गया। भाई साहब, रियल हीरोज हैं जो हमारी सेवा में लगे हैं और रिटर्न में उन्हें बहुत कम फायदा मिलता है। आगे टीवी चाइल्ड आर्टिस्ट और टिकटॉक की बड़ी स्टार अशनूर कौर ने भी सरकार के इस कदम का खुलकर स्वागत करते हुए कहा कि एवरीवन, मैं हूं अशनूर कौर एंड ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है, अभी जो डिसीजन लिया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सारे चाइनीज एप्स को बैन करने का, आई एम रियली हैप्पी विद दिस डिसीजन एंड आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ इट, क्योंकि ये जो सारे एप्स थे बहुत ही अहम हिस्सा बन गए थे हम सभी की लाइफ का, स्पेशली यूथ की लाइफ का। एंड यू नो दिस वॉज लाइक अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम, सो जो एक मेजर डिस्ट्रैक्शन था हम सभी की लाइफ में वो अभी हट गया है, सो वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर प्रोडक्टिव थिंग्स। हम इंडियन ऐप्स यूज कर सकते हैं, उनको एक जरिया बना सकते हैं हमारी एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे हम बाकी सारे चाइनीज ऐप्स यूज करते थे। सो येस, आई एम रियली हैप्पी एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट दिस डिसीजन वॉज वेरी क्रूशल, जो हमारा एक गोल है आत्मनिर्भर भारत का, उसे अचीव करने के लिए, ताकि अभी हम इंडियन ऐप्स यूज कर सकें एंड प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकें। ऑल्सो येस, एज एक्टर्स योर फैंस एक्सपेक्ट यू टू बी एक्टिव ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, तो कभी कभार मैं भी टिकटॉक्स बनाती थी फन के लिए, लेकिन जब से इंडिया चाइना का हुआ है तब से आई हैव बीन अवॉइडिंग इट एंड नाउ दैट दिस डिसीजन हैज बीन टेकन आई एम टोटली गोना ऑब्लाइज टू इट, टोटली गोना फॉलो इट एंड आई वॉन्ट एनकरेज ऑल ऑफ यू एज वेल टू प्लीज फॉलो इट एंड रियली प्राउड टू बी एन इंडियन सिटीजन, योर कंट्री कम्स फर्स्ट, इंडिया कम्स फर्स्ट एंड रियली प्राउड ऑफ दिस डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। जय। अब हम चलिए जानते हैं जन्नत जुबैर की राय। जन्नत टिकटॉक की बहुत बड़ी स्टार हैं, उनके अधिकतर वीडियो वायरल होती हैं। टिकटॉक बैन होने पर जन्नत कहती हैं, सो एज वी ऑल नो आवर गवर्नमेंट हैज बैन टिकटॉक एंड अदर चाइनीज एप्लीकेशंस एंड आई जस्ट लाइक टू से दैट आई टोटली सपोर्ट दिस बैन एंड आई विल बॉयकॉट इट। आई सपोर्ट इट एंड माई होल फैमिली सपोर्ट्स इट एंड आई थिंक एवरी सिटीजन शुड सपोर्ट दिस बैन विदाउट एनी डाउट्स, बिकॉज there is nothing more important than our country, our people, our soldiers, our military. In fact, आगे भी जो भी guidelines, rules और regulations आएंगे government की तरफ से, उनको भी इसी तरह से support किया जाएगा with all due respect. एक और TikTok star जिनका नाम है मुस्कान शर्मा। मुस्कान TikTok की एक बड़ी celebrity थी, लेकिन उन्हें TikTok ban होने का जरा भी दुख नहीं है। उन्होंने सरकार के इस कदम का खुले दिल से स्वागत किया है। आई स्टैंड बाय माई कंट्री, और ये जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, चाइना इंडिया को अटैक कर रहा है और इंडिया में चाइना के इतने एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स हैं,
तो हम लोग एक जन नहीं यूज करेगा, लाइक बीच में ऐसा होता है लाइक पीपल वो बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और नहीं यूज करे, तो एक दो जन करने से फर्क पड़ता है, बट ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था, तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत ही किया है, कुछ लोगों ने सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। इसी कड़ी में अभिनेता एजाज खान ने सरकार के इस कदम को गलत साबित करते हुए कहा, हेलो यूजी ब्राउजर समेत 59 चाइनीज कंपनी को बैन कर दिया है, जो कि चिंता का विषय है। इन एप्स में लाखों भारतीय जॉब करते हैं, करोड़ों यूजर्स है टिकटॉक हेलो जैसे एप्स के, जो मतलब आप समझिए कि उन्होंने अपलोड किया हुआ इस मतलब ऐप पे वीडियो क्रिकेटर के रूप में रजिस्टर है, कई क्रिएटर है जो कंटेंट अपलोड करते हैं अपने रोजगार का साधन बनाए हुए हैं, है ना। मतलब चिंता का विषय है क्योंकि उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। कुल मिलाकर लगभग सभी सेलिब्रिटीज ने इस कदम का स्वागत किया है, जिसमें कई टिकटॉक स्टार भी शामिल हैं। अधिकतर टिकटॉक स्टार का कहना है कि देश से ऊपर कुछ भी नहीं।